क्या कभी कैप्सूल देखे हो कि वो कैसा होता है? हाँ। अरे नहीं, बिहार में धोखा खाने के बाद जो लोग कैप्सूल खाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये क्या बात करता है यार? मैं बात कर रहा हूँ इवेंट कैप्सूल, एनिवर्सरी इवेंट कैप्सूल, जो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, जहाँ पर तुमको लेजेंडरी बंडल फ्री में दिया जाएगा। कौन कौन से बंडल फ्री में दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, इसके बारे में चर्चा आज हम करेंगे। और इसके अलावा तुमको थाला जो कैरेक्टर है ना, वो भी गेम के अंदर मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तुम लोग थाला कैरेक्टर को बिल्कुल फ्री में बाय कर सकते हो। आज इसका भी तरीका हम बताएंगे। गेम के अंदर एक न्यू स्काई विंग का स्किन तुमको देखने को मिलने वाले है। ड्रैगन के साथ पूरा ट्रेन तुमको देखने को मिलेगा स्काई विंग के जरिए। आज वो भी आपको हम दिखाएंगे। और हाँ देखो, तुम सभी का फेवरेट अपडेट मतलब ओल्ड पीक को लेकर तुम्हारे मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं ना, कि ओल्ड पीक बैक आ रहा है, फिर उसके थीम पे गणना करेगा क्या अपने गेम में। तो भैया देखो, ओल्ड पीक के बारे में आज कुछ ऐसे बातें आपको बताऊंगा जिसको देखकर और सुनकर आपको मजा ही आ जाएगा। तो देखो वीडियो को। वैसे हाँ, अगर गेम के फाइल को लेकर मतलब गेम इतना एमबी का है, गेम लैग मारता है, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर तुम्हारे मन में ये सवाल चल रहा है, तुमको ये दिक्कत दे रहा है, तो फिर आओ आज हम गेम का साइज तुमको कम करा देंगे। मतलब अगर गेम 700 MB का है, तुम्हारे मोबाइल 4 GB रैम का है, तुम चाहते हो गेम 400 MB का बन जाए, तो आज हम वो भी आपको बना कर देंगे। मतलब सुनने में आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा शायद, लेकिन मैं आज करके दूंगा। तो आओ आपको सब कुछ बताएंगे, पहले हम शुरुआत करते हैं गेम के साइज से ही। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि बेसिकली एक चेंजेस है गेम के साइज को लेकर। अब देखो यार, वैसे तो जिंदगी में दुख है, मतलब आज भी दुख है, कल भी दुख है, लेकिन परसों तो और ज्यादा दुख है। तो इसलिए यार देखो, दुख को हटाओ, खुश रहने का एक बढ़िया तुमको इंतजाम बता रहे हैं। जो तुम फ्री फायर खेलते हो, इसमें भी एक दुख होता है कि यार साला गेम लैग बहुत मारता है, बंदे को मार नहीं पाते लैग की वजह से। अब यार ये लैग क्यों मारता है, गेम ज्यादा एमबी का हो गया है इसलिए। पहले फ्री फायर मक्खन की तरह चलता था, तब फ्री फायर कम एमबी का था, 300 MB का था, अब हो गया है फ्री फायर 800 MB का, इसलिए लैग भी बहुत ज्यादा मारता है और गेम प्ले हम कर नहीं पाते। अब इसका एक सॉलिड तुमको आसान तरीका बताने वाले है। आफ्टर OB45 अपडेट आपको अपने गेम के अंदर एक बहुत ही खास सेटिंग को ऐड किया जाएगा। तुमको सेटिंग के अंदर जाना है, पैच अपडेट डाउनलोड सेटिंग पर, मतलब डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, जहां पर सब लोग आइटम्स वगैरह डाउनलोड करते हो। कुछ इस तरीके से आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि हम आपको एरो करके दिखा दे रहे हैं। इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइस जैसे कि आप लोग हम यहाँ पर देख पा रहे हो, लिखा हुआ है ऑटो क्लियर। आप लोग को यहाँ पर जो ऑटो क्लियर देखने को मिल रहा है ना, जिसको आपको हम मार्क करके दिखा रहे हैं, ऑन और ऑफ का ऑप्शन दिया गया है। अगर तुम इसको ऑन रखते हो, तुम्हारे आईडी में 1 महीने तक जो आइटम तुम यूज नहीं करोगे, मतलब 30 दिन तक जिस भी बंडल का आइटम्स तुम यूज नहीं कर रहे हो, चाहे बंडल हो, गन स्किन हो, ग्लूअल हो, जो जो आइटम्स तुम यूज नहीं करोगे, उन आइटम को गणना वाले डिलीट कर देंगे आपकी गेम की फाइल से। मतलब तुम्हारे आईडी से वो गायब नहीं हो जाएगा, बस वो डाउनलोड पैक नहीं रहेगा, वो तुमको बिना स्किन में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर अभी के टाइम पे तुम कुछ भी आइटम्स को डाउनलोड नहीं करते हो, तो वो स्किन दिखता नहीं है, वैसा ही उन आइटम को करना वाला जो डाउनलोड तुम लोग किए हो, उसको डिलीट मार देगा। तो जो आइटम्स तुम यूज नहीं करोगे, 1 महीने तक उसमें तुम टच नहीं लगाओगे, उसको करना वाले डाउनलोड से डिलीट कर देंगे, फिर आपका जो गेम का साइज होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर देखा जाए, हम लोग जो मतलब 1-2 बंडल को ही पहनकर ज्यादा गेम प्ले करते हैं, बार बार बंडल चेंज करते नहीं है। गन स्किन तो बिल्कुल सेम रहता है, हम उसको स्किन चेंज करते नहीं है। तो बाकी के आइटम्स को करना वाले जब डिलीट कर देंगे, अपने प्रोफाइल से डाउनलोड किया हुआ चीज को जब डिलीट कर देंगे, तो जो गेम का साइज है वो ऑटोमेटिकली 200 से 300 MB कम हो जाएगा। फिलहाल 700 MB का है, तो आगे से ये 400 MB का बन जाएगा, जिससे आपका गेम लैग भी खत्म हो जाएगा। तो ये सिस्टम लाया जाएगा आफ्टर अपडेट। बताना कैसा लगा है आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अब हम यहां पर गाइस बात करने वाले हैं ओल्ड पीक के बारे में। देखो ओल्ड पीक के बारे में आपको तो इतना बात पता है कि ओल्ड पीक बैक आने वाले है, जहां पर आप लोग रैंक गेम के अंदर बैठ के ओल्ड पीक में जा सकते हो, गेम प्ले वगैरह कर सकते हो। लेकिन ओल्ड पीक के थीम पे कुछ चीजों को तैयार किया गया है, कुछ डिजाइन किया गया है, जो कि आप लोग सिंपली यहां पर रिव्यू देख पा रहे हो। सबसे पहले कुछ इस तरीके से लूट बॉक्स का स्किन है, जो कि आपको बिल्कुल ओल्ड पीक की तरह देखने को मिलने वाले है। ऊपर से भाई जो P90 गन स्किन है, उसके ऊपर भी ओल्ड पीक के ऊपर काम किया गया है। दोनों आइटम्स का रिव्यू हम आपको यहाँ पर करा दे रहे हैं, चाहे लूट बॉक्स हो चाहे P90 गन स्किन हो, सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो किस तरीके से कि ओल्ड पीक को पूरा पेंट कर दिया गया है P90 गन के अंदर। एक तो भाई P90 गन थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए पीक पूरा नजर भी आ रहा है गन स्किन के ऊपर। अब यार बड़ा जबरदस्त तरीके से करने वालों ने डिजाइन किया है भाई, मैं तो सही बता रहा हूँ, ये लूट बॉक्स और ये P90 गन स्किन मैं जरूर बाय करूंगा जब ये गेम के अंदर आएगा। वैसे तो ये आएगा आफ्टर अपडेट, तो मैं इसको जरूर बाय करने वाला हूँ, चाहे डायमंड थोड़ा ज्यादा खर्च क्यों ना हो इसके लिए। तो खैर गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों को जो थाला कैरेक्टर दिया जाएगा उसके बारे में। अब आप लोग रिव्यू तो यहाँ पर देख पा रहे हो, जो थाला कैरेक्टर है वो देखने में कैसा रहेगा। असल में एनिवर्सरी इवेंट के टाइम पर आपको ये थाला कैरेक्टर जो है बिल्कुल फ्री में गेम के अंदर दे दिए जाएंगे। तो एनिवर्सरी स्पेशल इसको लाया जाएगा, और इसका जो स्किन है, मतलब इसका जो भी एनिमेशन वगैरह है, वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कैसा क्या कुछ है देखने में होने वाले। देखो यार, इसके बारे में जो भी जानकारी है, मतलब इसके थीम पे और क्या कुछ आइटम्स आपको फ्री में मिलेंगे थाला स्पेशल, वो भी आपको आने वाले टाइम पे हम दिखा देंगे। बट आप लोग इतना जान लो कि एनिवर्सरी स्पेशल बिल्कुल फ्री में आप सभी को थाला कैरेक्टर दे दिए जाएंगे, तो आप लोग इसको
इजीली बाय कर सकते हो, मतलब फ्री में ले सकते हो बेसिकली। और अगर कोई एनिवर्सरी इवेंट के चलते क्लेम नहीं कर पाते हो, फिर उसके एक महीने बाद थाला कैरेक्टर को स्टोर के अंदर ऐड भी करा दिया जाएगा, देन आप लोग उसको गोल्ड कॉइन के जरिए जो है बाय कर लोगे। तो खैर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं और एक न्यू स्काइविंग स्किन के बारे में। आपके सामने हम यहाँ पर रिव्यू पेश कर दिए है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत ही जबरदस्त और बड़ा ही खतरनाक स्काइविंग का स्किन डिजाइन किया गया है ड्रैगन के थीम पे, मतलब ड्रैगन का पूरा ट्रेन चलता हुआ आ रहा है ऐसा आपको देखने को मिलेंगे इस वाले स्काइविंग स्किन के अंदर। हो सकता है कि इसको जो है चार बंदे के लिए डिजाइन किया गया हो, बिकॉज इसमें चार सीट दिया गया है, हो सकता है कि आपका पूरा स्क्वाड जो है इसके अंदर समा जाए और इसको लेकर गेम में लैंडिंग कर सके। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ ये अकेले के लिए हो, बाकी तीन सीट जलाने के लिए दिया गया हो कि देख दोस्त ऐसा है मेरे पास जगह तो है लेकिन मैं तुझे लूंगा नहीं, क्योंकि जिद है मेरी, मैं नहीं लूंगा तुझे अपने साथ। तो ये जिद है, अगर तुम दोस्तों को चिढ़ना चाहते हो शायद ऐसे लिए भी बनाया जा सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट तो करना कोई पता है, जब इसको दिया जाएगा उसके कुछ टाइम बाद हमें पता चल जाएगा। वैसे अपडेट आने के बाद ही हमें ये भी दिख जाएगा, मतलब 25 जून के बाद ही, कि इसके अंदर चार बंदे बैठेंगे या फिर एक। तो अब हम गाइस यहां पर बात करने वाले हैं एनिवर्सरी स्पेशल मेन कैप्सूल इवेंट के बारे में। अब देखो यार रिव्यू आपको हम यहां पर करा दे रहे हैं, सिंपली आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कैसा क्या कुछ इवेंट है। आपको कुल मिलाकर 5 बंडल यहां पर देखने को मिलते हैं, मतलब सारे एनिवर्सरी का बंडल यहां पर फ्री में जो हमको मिले थे उसको यहां पर ऐड किया गया है। इनमें से आप लोग किसी भी एक बंडल को बिल्कुल फ्री में ले सकते हो, दिया गया मिशन को कंप्लीट करने के बदले में आप लोग को टोकन्स मिलेंगे, फिर उसको देकर आप लोग रिवॉर्ड्स वगैरह में से बंडल वगैरह को ले सकते हो। अब ये जो बंडल यहां पर ऐड किया गया है, इस बार इन बंडल में से कुछ बंडल रहेगा और इस बार एनिवर्सरी स्पेशल जो फ्री बंडल आपको मिलेंगे उसको भी यहां पर ऐड किया जाएगा, और हो सकता है कि ओल्ड में कुछ और रेयर बंडल को यहां पर ऐड करा दिया जाए इस बार। सो ये जो कैप्सूल वाला इवेंट है ये आपको एनिवर्सरी इवेंट का टाइम पर अपने गेम में देखने को मिलेंगे। 10 अगस्त से इस इवेंट को शुरू किया जाएगा, अगस्त महीने के 10 तारीख से इस इवेंट को शुरू कर दिया जाएगा, मतलब ऐसा कैप्सूल इवेंट ला दिया जाएगा और आप लोग तब बिल्कुल फ्री में बंडल वगैरह को यहां पर से बाय कर सकते हो। बाकी भाई अपडेट आने दीजिए, उसके बाद हम आपको दिखा देंगे 25 जून के बाद इस बार और कौन कौन से बंडल आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे एंड कौन कौन से बंडल को कंफर्म किया गया है। बाकी इतना जान लो आप लोग को फ्री में बहुत से बंडल्स मिलने वाले, ओल्ड भी और न्यू भी। तो खैर इसके साथ मैं गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के बारे में। तो गाइस बात करते हैं फर्स्ट कमेंट के बारे में, सनी भाई की हमें आर्टिक ब्लू इवेंट निकलना चाहिए और एनिवर्सरी इवेंट का न्यू इवो बंडल का रिव्यू करा दो, कल उसका रिव्यू करा दूंगा। एंड रही बात क्या हमें आर्टिक ब्लू बंडल बाय करना चाहिए फिर नहीं, तो भैया ऐसा है कि देखो यार पसंद है तुम्हारे ऊपर, कि अगर तुम्हें पसंद है तो निकाल लो और अगर पसंद नहीं है तो मत निकालो। वैसे हां एनिवर्सरी के टाइम पर कुछ और भी ओल्ड बंडल आपको जो है बैक मिलेंगे जो कि आर्टिक ब्लू से भी ज्यादा रेयर होगा, तो चाहो तो उस टाइम पे भी तुम बाय कर सकते हो। अभी यार देखो यार पसंद आपका है कि अगर आपको आर्टिक ब्लू बढ़िया लगता है तो निकाल लो, अगर ना लगता है तो मत निकालो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भाई, मैं क्या बताऊं। तो खैर बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में। तो यहां पर एक भाई ने ये पूछा है, सनी भाई ये बताओ कि जो एक्वा ब्रस्ट वाला M1007 गन स्किन है वो कब आएगा, प्लीज बता दो। देखो यार जो M1007 का स्किन के बारे में तुम पूछ रहे हो, एक्वा ब्रस्ट यानी कि जिसके थीम पे चार गन स्किन M1007 का तैयार किया गया था, वो येलो वाला, व्हाइट वाला, ब्लू वाला, रेड वाला, ये सब गन स्किन। तो देखो यार फिलहाल इसके बारे में कुछ लीक्स नहीं मिला है कि इसके बारे में हम कुछ गुफ्तगु करें, लेकिन हाँ अगर आगे चलकर इसके बारे में कुछ अपडेट्स लीक्स मिलते हैं तो आपको दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेंशन ना कीजिएगा, फिलहाल तो ये गन स्किन आपको बैक नहीं मिलेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में, सनी भाई प्लीज ये बताओ जो अपना कोबरा MP40 है वो बैक कब आएगा। आप मेरा कमेंट यार पिक नहीं कर रहे हो, तो आपका कमेंट पिक हो गया है मेरी भाई। और देखो यार ऐसा बात है कि जो कोबरा MP40 है फिलहाल आपको बैक नहीं मिलेंगे, जो इवो वर्ल्ड इवेंट फिलहाल चल रहा है उस इवो वर्ल्ड के बाद अगर घराना कोबरा MP40 को बैक देगा तो आफ्टर अपडेट देगा। सो इसलिए आप लोग को 25 जून का वेट करना पड़ेगा गेम के अंदर आने वाले अपडेट का, और उस अपडेट में अगर हमको कुछ लीक्स या फिर अपडेट ये देखने को मिलते हैं कि यार नहीं कोबरा MP40 को बैक दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो फिलहाल आपको कोबरा MP40 बैक नहीं मिलेंगे, अभी आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, देखते हैं कोबरा MP40 को लेकर क्या कुछ अपडेट्स मिलते हैं, जैसे मेरे पास कुछ आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में, जो कि ये तसनी भाई जो बनी का रिंग इवेंट है वो हमको अपने गेम के अंदर कब देखने को मिलेंगे। फिलहाल नहीं आ रहा है बनी का रिंग इवेंट, बनी बंडल को बाय करने के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार, और थोड़ा सा बाद ही आपको बनी इवेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखो फिलहाल तो गेम के अंदर छोटे मोटे इवेंट करने वाले दे रहे हैं तो फिलहाल तो शायद नहीं आने वाले हैं। आपको अगर करने वाले बनी का इवेंट देंगे तो शायद से और एक दो हफ्ते बाद दे सकते हैं, आपको बनी का इवेंट अपने गेम के अंदर फिर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कमेंट्स का रिप्लाई था, तो इसी के साथ गाइस मेरा वीडियो भी आज कहीं तक था बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं हर दिन की तरह कल शाम को एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।